दोस्तों हेलो एंड वेलकम टू पावर रेसर। मैं हूं आपका दोस्त हर्षित और आज हमारे साथ है ऑल न्यू टाटा नेक्सॉन फेसलिफ्ट। आज मैं इसका एक्सजी प्लस वेरिएंट का आपके लिए फुल डिटेल्ड रिव्यू लेके आया हूं। ये इसका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है जो आप अभी कलर देख रहे हैं। ये इसका फॉलेज ग्रीन कलर, ये काफ़ी रेयर कलर है और आज मैं डिटेल में बताऊंगा ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट नेक्सॉन में आपको क्या फीचर्स ऑफर किए गए हैं। डिज़ाइन अगर आप देखेंगे फ्रंट से आपको रेंज रोवर इवोक की तरह इसमें डिज़ाइन मिलेगा, काफ़ी बोल्ड काफ़ी प्रीमियम लुकिंग डिज़ाइन दिया गया है। या आप इसके पूरे DRLs को देख सकते हैं जो कि काफ़ी यूनिक लुक है। इसके साथ देखेंगे यहाँ पर आपको एक प्रोजेक्टर हेडलैम्प इसमें ऑफर करा गया है, एक सेकेंडरी लैम्प आपको यहाँ दिया गया है। ये है इसके फ्रंट का कुछ लुक। फ्रंट में आपको टाटा का लोगो मिलता है, काफ़ी प्रीमियम लगता है। क्रोम फिनिश आपको दी गई है, एक आपको इसमें पियानो ब्लैक फिनिश एलिमेंट दिया गया है और नीचे अगर आप आएंगे एक क्रोम लिप आपको मिलती है। लोअर साइड में अगर देखेंगे यहाँ आपको कुछ फॉग लैम्प्स दिए गए, सी एलिमेंट्स टाटा ने इसमें प्रोवाइड किए गए। यही कुछ एलिमेंट्स आपको इसकी रियर साइड में भी देखने को मिलते हैं। और यहाँ सेंटर में अगर आप देखेंगे सिल्वर स्किड प्लेट आपको दी गई है, ट्राई एरो डिज़ाइन आपको देखने को मिलता है जो कि टाटा की न्यू डिज़ाइन पूरी एक फिलॉसफी है। और ये जो इसकी ग्रिल है इसको टाटा कहती है ह्यूमैनिटी ग्रिल। तो ये कुछ आपने देखा इसके फ्रंट के लुक को। और अगर आप नेक्सॉन के बॉनेट में भी देखेंगे यहाँ पर भी आपको काफ़ी सारी क्रीजेस मिलती है जो कि इसको थोड़ा एक बोल्ड लुक देने में हेल्प करती है। जो इसकी ओवरऑल चौड़ाई है नेक्सॉन की, ये क्रेटा से भी ज़्यादा है। इसकी जो चौड़ाई है ये है 1811 मिलीमीटर की और जो क्रेटा है वो 1800 मिलीमीटर के आसपास उसकी पूरी चौड़ाई है। तो जो ओवरऑल आपको कैबिन स्पेस आपको नेक्सॉन में मिल रहा है ये काफ़ी अच्छा मिल जाता है। थोड़ा लोअर डाइन अगर आप आएंगे तो वो आप देखेंगे इसके ग्राउंड क्लियरेंस को। इसमें आपको 209 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है जो कि सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है। 225 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस आपको फॉर्च्यूनर में मिलता है और ये तो एक कॉम्पैक्ट SUV है जिसके बेस मॉडल की प्राइस स्टार्ट होती है 7,04,000 रुपीज़ से एक शोरूम। और ये इसका पेट्रोल में टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है मैनुअल के साथ। इसकी एक शोरूम प्राइस है 10,49,000 रुपीज़ और ऑन रोड में आप सभी शेयर कर दूंगा। ये कुछ आपने इसका पूरा डिज़ाइन देखा। अगर आप इसके साइड प्रोफाइल में आएंगे तो ये जो आप इसके पूरे व्हील आर्चेस को देख रहे हैं कंपनी ने काफ़ी बल्कि आपको दिए गए। थोड़ा आपको जो आगे से इसका फ्रंट का लुक चौड़ा लगता है उसमें कहीं ना कहीं इन काफ़ी बोल्ड व्हील आर्चेस का भी काफ़ी बड़ा रोल है। तो अगर आप बाद में अपने टायर को थोड़ा अपसाइज करते हैं तो आपके जो मड स्प्लैशेस है वो आपकी बॉडी को ख़राब नहीं कर पाएंगे। लेकिन अभी बात करते हैं कंपनी ने आपको इसमें जो अलॉयज दिए गए इनका साइज़ अगर आप देख पाएंगे तो ये आपको मिलते हैं 215 60 सेक्शन रेडियल 16 का टायर मिलता है, 16 इंच का डायमंड कट रिम मिलता है आपको। फ्रंट में आपको इसमें डिस्क ब्रेक मिलते हैं और रियर में मिलते हैं आपको ड्रम ब्रेक्स। अगर आप क्लियरेंस की बात करें तो काफ़ी अच्छा क्लियरेंस आपको दिया गया है, यानी कि ये गाड़ी को अगर आप ऑल पर्पज़ यूज़ करना चाहते हैं यानी कि अगर आप इसे ऑफ रोडिंग में भी लेते हैं तो ये आपको कहीं भी निराश करने वाली नहीं है। जो आपको सारी इसमें क्लैडिंग्स दी गई है ये कुछ आप इसकी क्लैडिंग्स देख सकते हैं, काफ़ी स्लीक आपको इसमें क्लैडिंग्स देखने को मिलेगी। वहीं अगर आप यहाँ पर भी आपने देखा होगा तो जो आपको एक स्वैप्ट एलिमेंट दिया गया साइड से भी, तो ये कुछ इसमें नेक्सॉन की ब्रांडिंग मिलती है कंपनी से। ये एक्सेसरी का पार्ट नहीं है, ये आपको कंपनी फिटमेंट है। साइड में अगर आप आएंगे तो ये कुछ आप इसके सारे ए पिलर को देख सकते हैं जो कि ब्लैक फिनिश के साथ आपको मिलते हैं, एक मैट फिनिश कंपनी ने इसमें प्रोवाइड की है। वहीं अगर आप आएंगे इसके ORVMs की ओर तो ORVM आपको इसमें कम्प्लीटली पियानो ब्लैक फिनिश में मिलते हैं। अगर आप फ्रंट से इसको देखेंगे इस साइड से अगर आप इसका व्यू लेते हैं तो पियानो ब्लैक फिनिश में आपको दिए गए और इंटीग्रेटेड आपको इसमें DRLs मिलते हैं। कोई भी आपको पेडल लैंप इसमें नहीं मिलता है, ना ही कोई 360 डिग्री पार्किंग कैमरा दिया गया। विंडो लाइन में आपको एक वाइट शेड में एक एलिमेंट मिलता है जो कि पहले नेक्सॉन में पीछे दिया जाता था, लेकिन यहाँ एक एलिमेंट ऐड करा गया जो कि थोड़ा इसको एक प्रीमियम लुक देता है। ये इसकी एक स्लोपिंग रूफ डिज़ाइन इसमें मिलता है कंपनी की तरफ से और ऊपर आप इसकी सनरूफ देख पा रहे होंगे जो कि अभी मैंने खोली हुई है। ये कुछ है सनरूफ का जो साइज़ है वो सही है गाड़ी के हिसाब से, ज़्यादा बड़ी नहीं है, थोड़ी ओके ओके सी लगेगी आपको। जो आप रूफ रेल्स इसमें देख रहे हैं ये आपको इंटीग्रेटेड दिए गए, यानी कि ये फंक्शनल नहीं है, जस्ट गाड़ी की हाइट थोड़ी ज़्यादा आपको लगी इसीलिए दी गई है। ऐसा ही डिज़ाइन आपको नई क्रेटा में भी ऑफर करा गया है। तो ये कुछ है और अगर आप इसके थोड़े पीछे आते हैं तो यहाँ आपको जो स्लोपिंग रूफ करेक्टर है वो ज़्यादा प्रोनाउंस होता है इसके सी पिलर के साथ, जहाँ ये आपको एक कूपे डिज़ाइन कंपनी पूरा एक तरीके से दिखाती है। जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको इसमें मिलती है जो ब्रोशर में मेंशनड है ये है 44 लीटर की, लेकिन आप इसमें 10% एक्स्ट्रा भी फिलअप कर सकते हैं। ये इसके कुछ डोर हैंडल्स आपको मिलते हैं और टाटा की जो बिल्ड क्वालिटी है वो अभी मार्केट में सबसे ज़्यादा बेहतरीन है। इससे पहले फोक्सवैगन इस बिल्ड क्वालिटी के लिए जाना जाता था, लेकिन अभी टाटा इस पूरी जो टर्म है इसको रूल आउट कर रही है। इसका जो प्लेटफॉर्म पहले नेक्सॉन में आते थे ये X1 प्लेटफॉर्म आता था,
लेकिन अभी भी X1 ही आपको दिया गया क्योंकि ये अभी एक फेसलिफ्ट है। वहीं अल्ट्रॉज में आपको अल्फा प्लेटफॉर्म मिलता है और हैरियर में आपको ओमेगा आर्क प्लेटफॉर्म का यूज़ देखने को मिलता है। तो ये X1 प्लेटफॉर्म है, फिर भी इसकी जो ग्लोबल NCAP रेटिंग है ये 5 स्टार की है। तो इंडिया की ये सेकंड सेफेस्ट कॉम्पैक्ट SUV है, इससे ज़्यादा सेफ आपको XUV300 देखने को मिलती है। ये देख रहे हो आप इसका कुछ रियर का डिज़ाइन। जो रियर के डिज़ाइन है, यहाँ जो कंपनी ने चेंजेस किए गए वो आपको इस एलिमेंट की ओर डिज़ाइन ज़्यादा चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। एक आपको रिफ्लेक्टर यूनिट दी गई है और एक फेक स्पॉलर का टाइप का आपको डिज़ाइन देखने को मिलेगा। जो एक कलर टोन है अभी फॉलेज ग्रीन की, ये आपको कैसी लग रही है अभी ज़रूर बताइएगा। टेल लैम्प्स आपको पहले भी कुछ ऐसे ही मिलते थे और अभी भी ऐसे ही है, थोड़े से प्रोट्यूडिंग आपको डिज़ाइन दिया गया है। ये कुछ आप इसका वाइट शेड में एलिमेंट देख सकते हैं पूरा, जो एक्स फैक्टर गाड़ी को प्रोवाइड करता है। थोड़ा बोल्ड, थोड़ा मस्कुलर आपको लगेगा। एक स्पोर्टी आपको उसमें स्पॉइलर प्रोवाइड किया गया है। यह इसका हाई माउंट ब्रेक लैंप आपको मिलता है, स्टॉप लैंप आप इसे कह सकते हैं। और ये इसके डिफॉगर्स दिए गए हैं। ये वॉशर यूनिट आपको मिलेगी, वाइपर यूनिट मिलेगी। और एक चीज़ आप अभी और देखेंगे, यहाँ पर आपको कुछ देखने को मिल पा रहा होगा। यहाँ अगर मैं कैमरामैन से अपने कहूँ कि इसको थोड़ा डिटेल में आपको दिखाए, ये जो आप देख रहे हैं एक शेर बना हुआ है और उसके पीछे शेरनी बनी हुई है, और ये कुछ जंगल का पूरा ट्रेन बना हुआ है एक, उसको आप मुझे बताइए इसका मीनिंग क्या है। मैं थोड़ा आपको लिंक करके बताता हूँ कि जो जीप की कार्स है, जीप इंडिया, उनमें भी कुछ ऐसा ही डिज़ाइन आपको देखने को मिलता है। पीछे आपको एक काफ़ी बड़ा स्पॉइलर देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी बड़ा है उस हिसाब से अगर आप देखेंगे, काफ़ी बड़ा है और काफ़ी अच्छा लुक इसको देता है। और अगर मैं लोअर डाउन आपको ले जाऊँ तो यहाँ आपको एक पार्किंग कैमरा इसमें ऑफर किया गया है। नेक्सॉन की आपको कंप्लीट ब्रांडिंग मिलती है। एक चीज़ काफ़ी कस्टमर्स मुझसे कहते हैं कि उनको जो ये इलेक्ट्रिक टेलगेट है उसको ओपन करने के जो एक्चुएटर स्विच दिया गया है, ये थोड़ा सा रॉ लगता है, यानी कि कंपनी इसमें थोड़ा और प्रीमियमनेस दे सकती थी, लेकिन मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यही जो स्विच है आपको साइड में मिलता है रिवर्स एंट्री के लिए, जो रिक्वेस्ट बटन जो आपको दिया जाता है, तो ये कुछ आपको मिलता है। बूट स्पेस मैं आपको दिखाऊँ तो ये इसका बूट स्पेस काफ़ी अच्छा है, 350 लीटर्स का बूट स्पेस दिया गया, 350 लीटर का। और अल्ट्रॉस का भी कुछ अच्छा खासा बूट स्पेस है अपने सेगमेंट के हिसाब से। ये कुछ इसका पूरा पार्सल ट्रे, एक पार्सल ट्रे आपको मिलती है। नीचे अगर आप देखेंगे काफ़ी डीप आपको मिलता है, 40-60 का आपको ऑप्शन मिल जाता है स्प्लिटिंग के साथ। नीचे अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये एक स्पेयर व्हील मिलता है, जिसमें आपको कम्प्लीटली आपको टूल किट मिल जाती है। स्टील रिम व्हील का पूरा आपको दिया गया है और ये पूरा मेटल फिनिश प्रॉपर आपको कंपनी ने यहाँ पे मैटिंग दी गई है, जिससे कि बूट में अगर आपका कुछ सामान भी है तो ज़्यादा आवाज़ नहीं करेगा। क्लैडिंग आपको मिलती है थोड़ी रफ फिनिश के साथ, लेकिन बोल्ड है, क्वालिटी अच्छी मिलती है कंपनी की तरफ से। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ भी आपको एक अच्छी सी इंसुलेशन दी गई है कंपनी की तरफ से। ये इसका स्विच है, ये कुछ इसका पूरा अपर्चर भी आप देख पा रहे हैं, और ये एक ग्रैबिंग के लिए आपको हैंडल दिया गया है। बंद करते हैं इसको, बंद हो जाता है और बिल्कुल सॉलिड थर्ड के साथ ही बंद होता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ लोअर डाउन बम्पर में आपको क्या मिलता है। यहाँ पर आपको कुछ ये पूरी क्लैडिंग मिलती है और पीछे जो इनका पूरा डिज़ाइन है ना, बहुत सारी चीज़ें आपको दी गई है, जैसे कि ये सारे आपको ट्राई एरो एलिमेंट्स दिए गए। एक नीचे आपको ये कुछ दिया गया है, यहाँ पर आपको लाइसेंस प्लेट के लिए कुछ माउंटिंग स्पेस दिया गया है। लोअर डाउन आपको मफलर मिलेगा और ये कुछ इसका पूरा लोअर बम्पर एरिया है। डुअल टोन थीम आप इसे कहेंगे, और जो इसका ओवरऑल डिपार्चर एंगल है ये भी काफ़ी अच्छा है, और ग्राउंड क्लियरेंस तो 209 मिलीमीटर का आपको मिलता है, तो वो अपने में सेगमेंट अपार्ट कर देता है इस गाड़ी को। अब हम चलते हैं सीधे कैबिन की ओर, कैबिन में ओर आने के लिए। और यहाँ भी देखिए जो व्हील आर्चेस है काफ़ी ज़्यादा प्रोनाउंस्ड आपको देखने को मिलेंगे। लोअर डाउन आपको अलॉयज में जो टाटा की ब्रांडिंग है, ये कुछ आपको अलॉयज में भी देख सकते हैं, ये कॉमन है, कंपनीज अपनी ब्रांडिंग करती है। साइड में आपने ये गौर करे होंगे, जो ये पूरी आपको एरोफॉइल डिज़ाइन में जो इसकी क्लैडिंग चलती है, जो कि थोड़ा इसको एरोडायनेमिक लुक भी देती है, रोड नॉइजेस को भी कम करती है। तो काफ़ी चीज़ें, एक रोड नॉइज़ को कम करने के लिए एक एलिमेंट और दिया है टाटा ने, जो ये इसका क्लैडिंग का पार्ट आप थोड़ा पास आके देखेंगे तो ये कुछ आपको दिया गया है, जिससे कि जो रोड नॉइजेज है, टायर नॉइज़ है, ये छोटा सा एलिमेंट्स गाड़ी के बाहर जो टर्बुलेंस है उसको डिक्रीज करता है, जिससे बहुत इफेक्ट पड़ता है 000 स्पीड्स पे। ये एक रिक्वेस्ट बटन आपको मिलता है, ये कुछ है OAVM का साइज़ आप देख लीजिए। ये खुलता है आपका डोर कुछ, अपर्चर काफ़ी अच्छा खासा है, और कैबिन वन ऑफ द प्रीमियम कैबिन में इसे कहूँगा, कैबिन जो एक कॉम्पैक्ट SUV के लिए अगर आप चाहते हैं तो। बेस वेरिएंट भी अगर आप लेते हैं इस गाड़ी का 7,04,000 एक शोरूम में, तो उसके भी बहुत बढ़िया डील है। ये इसका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है और इसमें टोटल आपको अभी 8 स्पीकर्स मिलते हैं।
स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं इसके डोर पैनल की ओर। डोर पैनल में आपको ये कुछ इसका टेक्सचर्ड मटेरियल दिया गया है, क्वालिटी टॉप नॉच। नीचे आपको कंपनी ने फैब्रिक दिया गया है, जो कि थोड़ा आपको मेंटेन करने में दिक्कत होगी। जैसे देख सकते हैं ये थोड़े से ही यूसेज में कुछ ऐसे इसने मार्क्स अपने साथ ले आया है। ये आपको एक रिफ्लेक्टर दिया गया जस्ट XUV300। यहाँ पर आपको एक लैम्प देती है इंडिविजुअल, एक अम्ब्रेला होल्डर आपको मिलेगा, कुछ डॉक्यूमेंट्स के लिए स्पेस मिलेगा। बॉटल आपकी यहाँ ज़रूर नहीं आ सकती है, बॉटल के लिए आपको कुछ और करना होगा। एक हार्मन कार्डन ट्यून्ड आपको JBL का सिस्टम इसमें मिलता है, और ये इसका लोअर डाउन आपको पूरा डोर मिलता है। यहाँ पर आपको मेटेलिक मिलेगा पूरा, यहाँ पर भी अगर थोड़ा और फाइबर दे देते या फिर ये प्लास्टिक होता तो कुछ थोड़ा प्रीमियम हो सकता था। ये इसके सारे कंट्रोल्स, वन टच डाउन आपको पावर विंडो इसमें मिलती है, वन टच अप की फंक्शनैलिटी इसमें नहीं है, कंटिन्यूसली आपको प्रेस करना होगा इसके साथ। और यहाँ अगर आप इंटीरियर की ओर आपने देखा होगा तो सबसे पहले आपको एक प्रीमियम लेदराइज फिनिश के साथ इसमें डी कट स्टीयरिंग व्हील मिलता है। ये थोड़ा हार्ड है इसका जो ये कुछ इसका हॉर्न आपको सुनने को मिलता है। ये सारी चीज़ें आप इसमें देख सकते हैं, ये सारे इंफोटेनमेंट के कंट्रोल्स हैं। डी कट स्टीयरिंग व्हील आपको मिलने से थोड़ा स्पेस आपको ज़्यादा मिल जाता है आपकी थाइस के लिए। जो आपको की होल है ये सिर्फ लोअर वेरिएंट्स में मिलेगा, ये इसका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, इसलिए स्टार्ट स्टॉप बटन आपको लेफ्ट साइड इसमें देखने को मिलेगा, जो कि अभी हम दिखाएंगे। ये इसके सारे लाइट्स के कंट्रोल्स आपको देखने को मिलते हैं, ये वॉशर वाइपर यूनिट के सारे कंट्रोल्स इस साइड है। स्टार्ट करते हैं एक्सट्रीम राइट से, तो यहाँ अगर आप देखेंगे यहाँ पर आपको सेम डोर पैनल की तरह ही फिनिश मिलती है, थोड़ी जो टेक्सचर्ड फिनिश आपको कंपनी ने दी है। ये कुछ एयर वेंट्स आपको मिलते हैं। लोअर डाउन अगर आप आते हैं यहाँ पर आपको ट्राई एरो पूरी प्रीमियम फिनिश मिल जाती है, जिसमें कंप्लीट क्रोम बेजल्स कंपनी ने प्रोवाइड की है, और फिट ऑफ फिनिश अच्छी आपको मिलेगी। ये कुछ आपको यहाँ OBD के लिए सारा फ्यूज़ बॉक्स और ये सब कुछ यहाँ दिया गया है। और अगर आप व्हील वेल की बात करें तो वहाँ भी देखिए आपको डेड पैडल मिलता है कंपनी की तरफ से, क्लच पैडल, ब्रेक और एक्सीलेटर के लिए प्रॉपर क्लियरेंस है तीनों पैडल्स में। इसलिए अगर आपकी थोड़ी हेल्दी भी है, अगर आप मेरी तरह 6 फीट आपकी हाइट है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। सीट्स जो आपको मिलेगी कंप्लीट फैब्रिक में मिलती है, और लेदर अगर ये एडिशन कंपनी टाटा इसमें दे तो और बेटर बात है, लेकिन इस बजट में ये भी अच्छी आपको स्पेस देती है। अभी मैंने सीट्स को देखते थे पूरा पीछे किया हुआ है, और ये कुछ इसका स्पेस है। मैन्युअली आप इनको कर सकते हैं, और एडजस्टेबल आपको फ्रंट में हेड रीस्टेंट्स मिलेंगे। लंबर सपोर्ट की अगर आप बात करेंगे तो इतना कुछ लंबर सपोर्ट है, ज़्यादा प्रोनाउंस नहीं है, ओके आप इसे कह सकते हैं। और साइड ब्लास्टर्स की बात करें तो वो भी आपको कुछ इतने इसमें मिल जाते हैं। ये कुछ है जो लेदर सीट्स है वो आपको ज़्यादा बढ़िया ग्रिपिंग देती है सीट्स में, जैसे ये स्टीयरिंग व्हील में लेदर यूज़ किया गया तो बेटर ग्रिपिंग आती है। वही कुछ इसमें नेक्स्ट अपडेट में ज़रूर टाटा इसका ध्यान रखेगी। ये इसके मैनुअल सीट्स को आप अप और डाउन कर सकते हैं। अब हम इसमें बैठ के आपको दिखाते हैं। एक नीचे अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर आपको सेल प्लेट एक कंपनी ऑफर कर सकती थी, लेकिन एक क्लैडिंग पार्ट आपको दिया है, तो ये भी ड्यूरेबिलिटी को दिखाता है आपको। बैठते हैं सीट्स के अंदर। तो ये आ गया हूँ मैं आपकी नेक्सॉन XZ प्लस वेरिएंट के अंदर। और XZ प्लस वेरिएंट कैसे है, ये है इसके सनरूफ, काफ़ी बड़ी सनरूफ है। कंट्रोल्स सारे आपको यहीं से मिल जाते हैं, ये देखेंगे वन टच क्लोज का फंक्शन कंपनी इसमें ऑफर करती है, जो मुझे बहुत ज़्यादा पर्सनली अच्छा लगता है। और ओपनिंग के लिए इतना अगर आप इसको करें, और ये कुछ है देखिए, अपर्चर अच्छा खासा आपको इसमें मिल जाता है। ये आपको एक वॉइस रिकॉग्निशन के लिए आपको एक जो इसका अपना सिस्टम है उसको ये दिया गया मॉड्यूल। लाइट्स के सारे कंट्रोल्स यहाँ मिलते हैं। ये इसका वैनिटी मिरर कुछ जो कि मिलता है, और ये अपने अकॉर्डिंग आप इसको स्टिल्ट भी कर सकते हैं। ऑटोमेटिक IRVM मिलेगा, यहाँ साइड आपको वैनिटी मिरर नहीं मिलता है। और इसमें आपको जो बेसिक मैं आपको मेन फंक्शन बता दूं, ये इसका ऑटोमेटिक आपको हेडलैम्प्स मिलते हैं, ऑटोमेटिक वाइपर मिलता है, तो ये भी थोड़ा कन्वीनियंट आपको ज़रूर बनाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी MID, जो कि इसकी डिजिटल MID। बंद करते ये देखेंगे आप इसकी कुछ डिजिटल। ये सबसे पहले टियागो के अंदर आया था टाटा की लाइनअप में, और अब ये हर गाड़ी में टाटा ऑफर कर रही है, और काफ़ी अच्छा लगता है। ये कुछ इसके सारे कंट्रोल्स हैं, यहाँ आप देख चुके हैं। सेंटर में आपको फ्लोटिंग डिस्प्ले आपको दी गई है 7 इंचेस की, आपको ये ऑफर की जाती है। और ये इसका पूरा फिनिश आपको मिलेगी, यहाँ पर भी आपको प्रॉपर फिनिश मिलती है। ग्लव बॉक्स आप देखेंगे काफ़ी डीप आपको इसमें ग्लव बॉक्स मिलता है, जिसमें लाइटिंग भी दी गई है और कूलिंग का फंक्शन भी मिल जाता है। सेंटर कंसोल की बात करेंगे, जिसको टाटा ग्रैंड कंसोल कहती है एक तरीके से, ये इसके सारे कंट्रोल्स। ये आपको वॉल्यूम रॉकर दिया गया है, और इसमें 8 स्पीकर का हार्मन का सिस्टम मिलता है।
यहाँ से आप टॉगल कर सकते हैं अपने सारे आइकन्स के बीच। दूसरी ओर ये हज़ार्ड लैंप आपको ऑफर किया गया है, ये सारी क्रोम बेजल्स, ऑटोमेटिक एसी, ये आपको एसी के सारे कंट्रोल्स, ये है इसका 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन, पेट्रोल डीजल में दोनों में आपको 6 स्पीड का ही मिलता है। रिवर्स गियर आपको पहले की तरह ही इसको पुल आउट करके लगाना होगा। बाकी इंजन ऑप्शंस की बात करें तो इसमें अभी 2 इंजन ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला है इसका 1.2 लीटर का, एक मिनट में आपको बताता हूँ, पहले ये इसका आप हैंड ब्रेक देख लीजिए, ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा मुझे लगा। ये इसका स्लाइडेबल आपको कुछ सिस्टम मिलता है और ये है इसकी की फॉब। की फॉब में कुछ पहले की तरह ही आपको मिलेगा, एज सच कोई ज़्यादा चेंजेस इसमें नहीं है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। प्रॉपर आपको सारे कंट्रोल्स, लाइट, बूट, अनलॉक, लॉक का फंक्शन आपको दिया गया है। ये आपकी एक आर्मरेस्ट आपको मिलती है, ये आपको स्लाइडेबल नहीं मिलेगी क्योंकि जो इसके नीचे आपको एसी रिवर्स रियर में आपको एसी वेंट दिया गया है, इसकी सेपरेट इवेपोरेटर कॉइल यहीं पर दी गई है, ऐसा टाटा के ऑफिशियल्स क्लेम करते हैं। तो इसीलिए कंपनी ने सोचा कि ये अगर मूवेबल करेंगे तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। अब मैं आपको पीछे से एक फ्रंट का व्यू दिखाऊं, तो देखिए अगर मैं स्टीयरिंग इसका ग्रैब करता हूं तो ये कुछ मेरा हेडरूम बन पा रहा है। यहाँ आप मेरा हेडरूम देख सकते हैं, प्रॉपर हेडरूम मिलेगा। थोड़ा एसी मैं आपके लिए चला देता हूं और ये कुछ हेडरूम आप देख सकते हैं प्रॉपर। और जो इसका हॉर्न है थोड़ा आपको हार्ड लगेगा, जैसे मेरी होंडा की गाड़ी है उसमें थोड़ा मुझे लाइट लगता है, थोड़ा हार्ड लगता है मुझे। और इसको अगर मैं बंद करता हूँ तो डोर जो थर्ड आपको फील कराएगा बहुत अच्छी कराता है। गाड़ी की जो ओवरऑल चौड़ाई है देखेंगे, कैबिन स्पेस काफ़ी अच्छा खासा है। टॉप मॉडल में भी आपको सिर्फ 2 एयरबैग मिलते हैं, 6 एयरबैग नहीं मिलेंगे। लेकिन जो इसकी यूएसपी है वो सबसे बढ़िया स्टार्ट होती है कि जो इसका बेस मॉडल है इसमें कंपनी आपको ESP ऑफर कर रही है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्शन कंट्रोल, रोल ओवर मिटिगेशन सिस्टम और ब्रेक असिस्ट इंक्लूडेड है। वो बहुत ज़्यादा एडवांस फीचर्स है। ब्रेक असिस्ट तो आप जानते ही होंगे, मान लीजिए आप 100 की स्पीड से जा रहे हैं और अचानक से कोई आपके सामने आ जाता है, कई बार ऐसा होता है कि हम सफिशिएंट ब्रेक प्रेशर अपने पैडल पर नहीं लगा पाते हैं और गाड़ी नहीं रुक पाती है। लेकिन जो ब्रेक असिस्ट है वो आपकी स्पीड को एक तरीके से कैलकुलेट करते हुए रहता है हमेशा, और जैसे ही आप अगर ब्रेक हल्के से भी लगाते हैं और किस वेलोसिटी से लगा रहे हैं वो अपने अकॉर्डिंगली एडिशनल प्रेशर आपके ब्रेक सिस्टम में एग्जीक्यूट करेगा और आपकी व्हीकल को स्टॉप कर देगा। जो ट्रैक्शन कंट्रोल है वो आपके स्लिपरी सरफेसेस में कई बार जो मड स्लश होता है उसमें भी गाड़ी, कई बार क्या होता है एक टायर आपका कीचड़ में फंस जाता है और दूसरा टायर बाहर नहीं निकल पाता क्योंकि डिफरेंशियल आपको दिया गया है, इसमें ओपन डिफरेंशियल होता है, तो सारी जो एक तरीके से पावर है टायर की उसको चल जाती है जिसमें ट्रैक्शन कम होता है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्शन कंट्रोल है वो उस व्हील को जो स्लिप मार रहा है, जो घूम रहा है, उसको हल्का सा ब्रेक कर देता है और जो टायर अभी भी ग्रिप है जिसके पास उसको सारी पावर डाइवर्ट हो जाती है। और जिसका रोल ओवर मिटिगेशन सिस्टम है, कई बार आप फास्ट कॉर्नरिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है गाड़ी पलटने के चांसेस होते हैं, लेकिन इसमें क्या होगा कि जो अपोजिट साइड का व्हील है उसको ये ब्रेक करेगा, जिससे जो आपकी गाड़ी रोल होने वाली होगी उसको ये प्रिवेंट कर देगा। तो ये जो फीचर बेस मॉडल में टाटा दे रही है, ये एक तरीके से मेरी तरफ से तो बहुत बड़ा हेड्स ऑफ है टाटा के लिए। और ये देखेंगे सब कुछ, अब मैं एयरबैग आप इसमें मिलते हैं लेकिन अभी मैं इसको डेमोस्ट्रेट आपके लिए नहीं कर सकता हूँ। एक चीज़ आपको और इसमें अच्छी लगेगी वो ये कुछ है, इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, स्पोर्ट ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, सिटी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। टाटा ने ये मोड्स इसमें ऑफर करे हैं ताकि आपको थोड़ी माइलेज भी अपने अकॉर्डिंग आप इसमें ले सके, परफॉर्मेंस भी ले सके और जो ड्राइवेबिलिटी है वो भी आपकी थोड़ी इंप्रूव हो। एक तरीके से बहुत अच्छा एक मिक्सअप आपको टाटा ने इसमें दिया है। अब मैं आपको ले चलता हूँ एक बार इसकी इंजन बे की ओर, जहाँ मैं इसकी सारी डिटेल्स आपको कुछ ऑफर करूँगा। काफ़ी हैवी आपको बॉनेट दिया गया जो कि इसके बिल्ड क्वालिटी को भी शो करता है। काफ़ी लोग कहते हैं कि मटेरियल अगर लाइट भी है फिर भी बिल्ड क्वालिटी हैवी हो सकती है, ये ज़रूरी नहीं है क्योंकि जो क्रम्पल जोन्स है ये सबसे बड़ी मेन चीज़ एक फैक्टर डिसाइडिंग होता है। और जो स्टील कंपनी यूज़ कर रही है, कंपनी ने ये अभी डिस्क्लोज नहीं किया कि कौन सा कंपोजिशन है, लेकिन ये ज़रूर कहते हैं कि एडवांस्ड हाई स्ट्रेंथ स्टील और हाई स्ट्रेंथ स्टील का एक आपको पूरा इसमें मिलेगा। और ये है इसका कुछ 3 सिलेंडर का रेवेट्रॉन सीरीज़ का पेट्रोल इंजन जो कि पावर जनरेट करता है। अभी ये न्यूली अपडेट हो गया है टाटा की तरफ से, 120 PS की पावर है और 170 Nm का मैक्सिमम टॉर्क है। कंपनी माइलेज इसका क्लेम कर रही है 17 km/L के आसपास। और जो इसका डीजल है ये 1.5 लीटर का रेवेट टॉक डीजल इंजन है, वो अभी उतना ज़्यादा उसकी यूनिट कंपनी ने डिस्पैच नहीं करी है, पेट्रोल की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है इसकी ज़रूर। जो उसका पावर आपको मिलेगी डीजल में वो 110 PS की है और 260 Nm का टॉर्क है। ये जो इसका 3 सिलेंडर का MPI टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन है, ये इसका टर्बोचार्जर आप देखिए और ये सारा कुछ लेआउट है। ये इंजन आपको काफ़ी जल्द एल्ट्रॉज में भी टाटा ऑफर कर सकती है,
तो अपनी ओपिनियंस मुझे ज़रूर बताइएगा। ये आप पूरा इसका इंसुलेशन देख सकते हैं, प्रॉपर आपको मिलेगा। नीचे देखेंगे तो जो प्रॉपर क्लियरेंस कंपनी ने ऑफ़र करी है आपके इंजन की कूलिंग के लिए, नीचे आपको एक बैच प्लेट इसमें कंपनी ऑफ़र नहीं करती है ताकि जिससे प्रॉपर कूलिंग हो सके। ये कुछ है देखिए कुछ, और बंद करते हैं इसको। फ्रंट का लुक आपने देखा है इस गाड़ी का पूरा। अब हम चलते हैं इसकी सेकंड रो की सीट्स की ओर। सेकंड रो की सीट्स में नेक्सॉन में कोई भी कमी नहीं है। सीट्स को मैं अपने अकॉर्डिंग पहले सेट कर लेता हूँ। यहाँ पर आगेंगे तो थोड़ा ये देखिए, आप देख लीजिए मैंने अकॉर्डिंगली सेट करी हुई है, जो कि मैं आपको बैठ के इतना दिखाऊँगा। अब आएंगे तो आप यहाँ देखिए सेकंड रो को। सेकंड रो में आते ही सबसे पहले आप इसके कुछ ये डैश पैनल को देखेंगे, जिसमें आपको ये प्रॉपर फैब्रिक फिनिश सिमिलर आपको कॉपी करके पीछे भी दिया गया है। 8 स्पीकर का यूनिट आपको मिलती है, 8 ट्विटर्स इसमें प्लेस किए गए हैं। ये ग्रैबिंग के लिए आपको थोड़ा बढ़िया से दिया गया, जैसे फॉक्सवैगन भी देती है अपनी गाड़ियों में, हैरियर में भी मिलता है, हालांकि थोड़ा छोटा साइज़ का है। पावर विंडो की अगर स्पीड की बात करें तो मॉडरेट। बैठ के देखते हैं गाड़ी के अंदर, तो ये आ गया हूँ मैं। इसकी जो सीट्स है वो फैब्रिक है, लेकिन काफ़ी कंफर्टेबल आपको लगेगी, अच्छा खासा आपको अंडरथाई सपोर्ट देगा। और ये जो थोड़ा इसका उठा हुआ पार्ट है, ये आपको अच्छा अंडरथाई सपोर्ट इसमें दे देता है। ये कुछ इसके साइड का कंफर्ट है। सेंटर पैसेंजर के लिए आपको कोई भी इसमें हेडरेस्ट कंपनी ऑफर नहीं करती है, लेकिन ज़रूर आर्मरेस्ट आपको दी गई है। ये भी किसी कस्टमर की गाड़ी है। नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको इसमें एक हम्प मिलता है, जो कि इसके नीचे से इसका एग्जॉस्ट का पाइप जाता है, इसलिए कंपनी थोड़ा क्लियरेंस के लिए आपको ये देती है। बाकी इसके अलावा इसका कुछ भी यूज़ नहीं है। यहाँ पर आपको एक एडिशनल सॉकेट दिया जा सकता था, लेकिन टाटा ने सिर्फ कटआउट इसमें छोड़ दिया, शायद काफ़ी जल्द आपको मिल पाए। ये इसका रिवर्स का रियर का एसी वेंट आपको मिलता है। और अगर मैं आपको इसकी सनरूफ दिखाता हूँ तो ये आप सनरूफ इसकी कुछ देख पाएंगे। ये है इसकी कुछ सनरूफ, देखिए एडजस्टेबल आपको इसमें सीट बेल्ट के लिए हाइट के लिए सिस्टम दिया गया, जो कि लोड लिमिटर के साथ भी आता है। ये है इसका पूरा कुछ फ्रंट का डैशबोर्ड, ये देखेंगे कुछ। और यहाँ आप मेरा हेडरूम देख ही चुके हैं, मेरा कुछ हेडरूम आपको मिल जाता है। ये कुछ है शोल्डर रूम, आप देख सकते हैं। एक कोट हैंगर के लिए आपको ये सिस्टम इसमें दिया। इंजन स्पेक्स आप प्रॉपर इसमें देख सकते हैं। और यहाँ कुछ है फीचर फ्रंट में, टाटा नेक्सॉन काफ़ी आगे है अपने कंपटीशन से, ये बात तो माननी पड़ेगी। यहाँ सारे आप इसके कनेक्टिविटी का जो इंफोटेनमेंट सिस्टम के सारे फीचर्स है, ये काफ़ी अच्छा है। इस पर भी एक अभी डिटेल वीडियो आपके लिए लेके आएंगे हम। ये थोड़ा इसने फोकस कर लिया, ये कुछ है। अब मैं आपको इसकी प्राइस लिस्ट शो कर देता हूँ। ये इसका फॉलिश ग्रीन कलर है सिंगल टोन में। ये है इसका 7,04,500 रुपये एक शोरूम बेस मॉडल की है, और जो ऑन रोड आपको जा रहा है ये जा रहा है 8,44,000 रुपये का। थोड़ा सा ब्लरी है इसमें टेक्स्ट। तो एक्सएम की प्राइस ये कुछ है, ये सारी आप एक शोरूम देख लीजिए पहले। ये एक शोरूम सारी प्राइस आपको देख पा रहे हैं। ये इसके डीजल की प्राइस आपके लिए स्टार्ट हो चुकी है, ये कुछ है। और ऑन रोड अगर आप आएंगे तो ये कुछ इसमें ऑन रोड आपको प्राइस मिल जाती है। तो ये कुछ रहा मेरा इसका एक वर्डिक्ट। स्पेशियस गाड़ी है, तो अगर आप सेफ्टी को ध्यान में देते हैं, ये गाड़ी आपको 13-14 का माइलेज आराम से दे देती है पेट्रोल में, और डीजल में तो ये 20 का माइलेज भी आपको दे देगी अगर आप इसे बिल्कुल एक 1500 आरपीएम के बैंड में चलाते हैं। तो ओवरऑल स्पेशियस गाड़ी है, सेफ्टी टॉप नॉच की आपको मिलती है। कैबिन के एनवीएस लेवल्स है, वो भी टाटा ने एक तरीके से इम्प्रूव करा है इसको। तो काफ़ी जल्द आपको इसकी टेस्ट ड्राइव वीडियो भी आएगी, और इसकी अभी डिलीवरी भी होने वाली है इस गाड़ी की। और जो इनके अभी बायर है, ये ऑलरेडी मारुति कस्टमर है, तो हम उनसे पूछेंगे कि क्यों उन्होंने मारुति से स्विच होके ब्रेजा को छोड़ के इसको पिक करा। उसका आंसर आप भी जानते हैं, लेकिन फिर भी उनका वर्डिक्ट लेना काफ़ी ज़रूरी है। तो ये कुछ देखा हमने टाटा नेक्सॉन के साथ पूरा एक हमारा रूबरू। तो काफ़ी जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, और चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये नेक्सॉन। और सब्सक्रिप्शन तो ज़रूर बनता है, और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आप मिस नहीं कर पाए नई से नई वीडियो। ये है इसके पूरा लुक। ओके, गुड बाय।